अब हम अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इनके आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज लाइंस। मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास होते कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारे पास ये कितने होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं, बट ओवरऑल इसका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो जस्ट हमने अभी पढ़ा है, द ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन मतलब केंद्र, सेंटर। ऑब्वियसली तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, हद से ज्यादा इजी था। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू, अपना क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। सी फिगर 3.14। तो हमारे पास क्या है, ये फिगर है जो कि हमने इसको नाम दिया है 3.14, आपके एनसीईआरटी बुक में भी 3.14 ही है। राइट द फॉलोइंग। अब हमें ये आठ पार्ट दे रखे हैं और इस फिगर के हेल्प से हमें क्या करना है, इनके आंसर फाइंड करने हैं। तो फाइंड करते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब आप देखिए यहां पे आपको कोऑर्डिनेट बी दिख रहा होगा ये। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने इस पॉइंट के। तो देखिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हमेशा कोऑर्डिनेट x को y में लिखते हैं। तो इसमें x क्या हमारा, x पे -5 और y पे कितना है, 2। तो x को y के हिसाब से -5, 2। x क्या हमारा -5 और 2 क्या हमारा y। तो -5, 2 क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b। सेम एज इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c। c के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास c ये वाला पॉइंट है। अब इसमें x क्या हमारा 5 और y क्या हमारा -5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5, -5। देखिए कितना आसान है ये। अब हमारा थर्ड पॉइंट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब देखिए हमें सबसे पहले -3 ढूंढना, -3 मतलब x पे जाएगा। तो x पे हमारा कितना है -3 और उसके बाद क्या है -5। तो यहां पे कौन सा पॉइंट ओरिजिनेट हो रहा है हमारा, e। तो E जो है वो हमारा पॉइंट ओरिजिनेट हो रहा है किससे, -3, -5 से। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब इसमें क्या है, 2 हमें ढूंढना है, क्यों, क्योंकि x को y होता है। तो x कितना है 2 और y कितना है -4। तो इस स्टेटमेंट कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और ये -4। तो यहां पे कौन सा हमारे पास, G पॉइंट। हमारे पास क्या है, G। तो G एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम क्या, जो आपका आइडेंटिफाई कर रहा है 2, -4। अब क्या है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा मतलब हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट। तो d में क्या है हमारा, x कितना है d पॉइंट पे 6। तो हमारा एब्सिसा कितना हो गया 6, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है y से कितना है 6 है। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, द ऑर्डिनेट मतलब हमें क्या निकालना है, ऑर्डिनेट मतलब y। तो h पॉइंट का हमारा कहां है, h ये रहा। अब हमारा पॉइंट y कितना होगा यहां पे, आपका होगा -3। कितना आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा ऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। अब सर इसमें L कहां है, सर देखिए सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ये क्या है ऑन पॉइंट 5, मतलब 5 के ऊपर है, ऑन द लाइन है। अब इसमें देखिए x क्या है आपका, अगर मैं x देखूं तो यहां पे आके x क्या हो जाती है, 0। तो हम पहले x लिखते हैं, तो 0 कॉमा y की वैल्यू पे कितना है ये 5। सो सिंपल। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, अब ये वाला कोऑर्डिनेट कहां बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ x की लाइन पे -x पे, और अगर हम इसको y पे देखते हैं तो y कितना आ जाता है यहाँ पे 0। तो यहां पर x कितना है इसका -3 और y कितना है इसका 0। तो इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 के दोनों क्वेश्चन कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल थे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की।
नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 आपको शो करके दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे अपने कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी या फिर आपको जो भी डाउट्स है वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।